के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। आरटीओ विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से राजस्व की क्षति पहुंचाकर ओवरलोडिंग वाहनों को पास कराने वाले गिरोह की विवेचना के लिए एसएसपी ने गठित की एसआईटी। सीओ कैंट को बनाया नोडल अधिकारी। कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी के अनुसार नहीं है इसका कोई इलाज, ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों से बिल्कुल न मिलाएं हाथ। सीए के विरोध में भारत बंद के समर्थन में आने वाले लोगों से निपटने के लिए मुस्तैद रही गोरखपुर पुलिस। महानगर में नहीं दिखा भारत बंद का असर, बाजार रहे गुलदार, सड़कों पर बनी रही चहल पहल। गोरखपुर न्यूज से दोबारा रूबरू हुई मिस दिल्ली व मिस इंडिया दीवा रनरा पल्लवी। कहा, तैयार करनी है एक ऐसी कंपनी की लोग मुझे जाने मेरे नाम से। गोरखनाथ मंदिर में ड्यूटी के दौरान तैनात पुलिसकर्मियों ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। एसएसबी जवान के गिरे हुए 18,000 रुपए किया वापस। रुपए मिलते ही एसएसबी जवान के चेहरे पर आई मुस्कान, दिया गोरखपुर पुलिस को धन्यवाद। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई खाद और औषधि सतर्कता समिति की बैठक। खाद सामग्रियों की सैंपलिंग लेकर जाँच करने के दिए निर्देश। चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में आयोजित हुआ आयकर जागरूकता कार्यक्रम। बैंकों को 365 दिन खोले जाने की उठी मांग। आयकर के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई के तत्वाधान में आयोजित हुई नागरिकता कानून पर कार्यशाला। 1 से 10 फरवरी तक प्रत्येक कार्यकर्ता को 100 लोगों को नागरिकता कानून की जानकारी देने के दिए गए निर्देश। अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व रवि विपणन वर्ष 2020-21 के लिए प्रभारी अधिकारी गेहूं खरीद नामित। गेहूं खरीद की करेंगे मॉनिटरिंग। और रेड रॉयल टी कंपनी के 24 जिलों के मार्केटिंग हेड के ऑफिस का पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक फतेह बहादुर सिंह ने फीता काटकर किया शुभारंभ। कहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नए उद्योगों को हो रहा निवेश।